लोगों के बीच में ये उम्र रिटायरमेंट की बड़ी अजीब होती है। ना कोई हसीना मुस्कुरा के देखती है, ना कोई नजरों के तीर देखती है। अगर किसी ने गलती से नजर लड़ा भी ली तो ये उम्र आपको दायरे में रखती है, ये उम्र रिटायरमेंट की बड़ी अजीब होती है। सफेदी बालों से झांकने लगती है, सफेदी बालों से झांकने लगती है, तेज दौड़ो तो सांस रुकने लगती है। थोड़ी सी हिम्मत और कर लो, ये जिंदगी तो चलेगी अपनी रफ्तार से बढ़िया। अतः सदर जब पंखिया गति में डावना रहे, तुम अपनी रफ्तार काबू में कर लो। ये उम्र रिटायरमेंट की बड़ी अजीब होती है, न बुढ़ापे के पास न जवानी के पास, ये दोनों के बीच में होती है। आणि तसंही ते सायकलिंग त्यांचं चालू आहे, फिटनेस चालू आहे। खरं हे रिटायरमेंटचं एज किंवा 58 हे बायोलॉजिकल एज, खरं एज माणसाच्या जिंदादिनीमध्ये, आणि अशी ही जिंदादिनी त्यांच्याकडनं नेहमी दिसते। नाही तर आजकाल 25-30 तरुण सुद्धा हे दुखत ते दुखत म्हणताना दिसतात आणि यांचे नेहमी सायकलिंग करताना चेक होतात। मुली पण म्हटल्या तर असं म्हणता येईल की आजकालच्या तरण्या झाल्या बरण्या आणि म्हाताऱ्या झाल्या हरण्या। तर हे रिटायरमेंट तसं नाही आहे, हे बायोलॉजिकल एज आहे। खरं यांचं वय फक्त इथून सुरू झालेलं आहे आणि मी त्या 5-10 वर्षापासून आहेच। बुद्धिबळ खेळणं, ट्रेकिंग करणं काही असेल तर जॉईन होऊ शकतो। एवढे बोलून मी माझे दोन शब्द संपवतो। आमचं पूर्ण फार्मसी ग्रुप पीएन पाटील बोलांकर डॉक्टर बापू कर्णावट यांच्यातर्फे बढिया।